Okay, so as an actor and as a social media influence, social media always plays an important role in everyone's career, and it has played an important role in your career. So what do you want to say about how it has played an important role in your career? So social media, in my opinion, is a very democratic space, you know, where there's still some sense of democracy and freedom to speech and, you know, freedom to, at least I thought that we had freedom to speech until like 72 hours back. But yeah, it enables you to, I think, put your, you know, opinions out there, you know, voice the causes you believe in and inspire your fan followers, I think your fans, followers, whatever you might want to call it. And recently जो कुछ आपके साथ हुआ काफ़ी दर्दनाक था और काफ़ी बहुत सारी बातें आपने शेयर की सोशल मीडिया पे, क्या कुछ हुआ आपके साथ रिसेंटली 48 आवर्स में और कब से ये सब चालू हुआ? तो दरअसल इट्स वेरी स्ट्रेंज कि हुआ नहीं था, अभी भी होता ही चला जा रहा है, वो ख़त्म हो ही नहीं रही है चीज़. एंड वॉट स्टार्टेड इट वॉज समथिंग कम्प्लीटली हार्मलेस. मुझे एक Q&A सेशन में किसी मेरे एक फॉलोअर ने पूछा कि आप किसको पसंद करेंगे कोलैबोरेशन के लिए, एमी या फिर रफ्तार. तो मैंने उसमें एक बहुत पर्सनल कॉन्टेक्स्ट भी दिया था, मैंने ऐसे नहीं डायरेक्टली बोल दिया कि भाई आई डोंट नो हिज म्यूजिक एंड ऑल, जबकि आई डोंट लाइक हिज म्यूजिक. आई एम सेइंग इट ऑन रिकॉर्ड नाउ, आई एम नॉट गोना चेंज दैट. आई डोंट लाइक हिज म्यूजिक एंड दैट्स माई राइट टू चॉइस. नो मतलब ये क्या कुछ सट्टा है क्या, इनकी कंपल्सरी है कि तुम्हारा म्यूजिक लाइक करना है या नहीं पसंद तुम्हारा म्यूजिक, ओवर रेटेड हो तुम जैसे बहुत लोग ओवर रेटेड होते हैं. यू आर अ नेटवर्किंग जीनियस रफ्तार, आई एम सेइंग दैट, सो दैट्स ग्रेट, यू हैव ग्रेट मार्केटिंग स्किल्स, यू आर नॉट अ ग्रेट म्यूजिशियन ब्रो. सो एनी वे देन आई रोट अ वेरी नाइस कॉन्टेक्स्ट कि एनी वे इज लाइक माई फैमिली एंड आई ऑलवेज यू नो चूज हिम ओवर एनी वन. नेक्स्ट डे आई वेक अप, रैंडम मैसेजेस आई एम गेटिंग, तू तो नली है, तू तो छपरी है, लाइक हॉरिबल लैंग्वेज. एक तो इनके फैंस जो खुद को बोलते हैं उससे मेरे को पूछना है आप कौन से स्तर से आ रहे हो भाई, वॉट आई ऑल लाइक ऑल ऑफ यू टॉक अबाउट सेक्शुअल मोलेस्टेशन एंड रेप लाइक इट्स अ जोक, इज दिस फनी टू यू, बिकॉज यू डिड इट विद स्वालीना, नाउ यू हैव बीन डूइंग इट विद मी, यू कुड आई थिंक यू कुड साइलेंस हर, मे बी शी डिडंट वांट टू गेट इनटू दिस, बट आई एम गोइंग टू एड्रेस दिस हेड ऑन. मैं पीछे नहीं हटने वाली हूँ, मैं बात करूँगी इसके बारे में. तो अब उसमें भी आप लोग को दिक्कत है, तो इस फैंस आर लाइक गॉट सम आई डोंट नो दे हैव सम काइंड ऑफ डिमेंशिया. अभी ये बोलेंगे अरे आप देखो कमेंट नहीं कर रही है, कमेंट करेंगे अरे तो वेली इसके बाद व्हाट कमेंट है, अरे ये तो पब्लिसिटी चाहती है, अरे ये पब्लिसिटी के लिए पैसे डाल रही है. मेक अप योर माइंड, बोथ थिंग्स डोंट काइंड ऑफ लाइक वर्क टुगेदर, दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट. मेक अप योर माइंड, डू आई वॉन्ट पब्लिसिटी, इफ़ आई वॉन्ट पब्लिसिटी और मैं पैसे दे के कर रही हूँ तो पैसे तो मेरे पास हमेशा से थे, पहले क्यों नहीं कर ली मैंने. सेकेंडली यू आर टेलिंग मी दैट ओके यू नो आई डोंट हैव ग्रेट टेस्ट इन म्यूजिक, आई एम डीफेमिंग हिम, सो नॉट लाइकिंग समवन्स म्यूजिक इज डीफेमिंग देम. ओके आई एम डीफेमिंग हिम, आई डोंट लाइक हिज म्यूजिक, व्हाट यू वांट टू डू अबाउट इट, इज़ अ फ्री कंट्री, इट्स अ फ्री वर्ल्ड. इफ एंड इनका जो स्टेज पे वो क्या किया था इन्होंने, CA के टाइम पे बहन की गाली दी थी ना इन्होंने, तो इनके फैंस में भी मैं जो या जो इनके फैंस बनते हैं फलाना ढिमकाना दैट हिज टीम हैज़ टू फिगर आउट, यू नो हाउ कम ही गोज ऑन स्टेज डज बहन माँ की गाली एंड देन ऑल हिज फॉलोअर्स ऑल्सो हैव द सिमिलर DNA, यू नो दे ऑल गिव माँ बहन की गंदी गंदी गालियाँ, रेप थ्रेट्स, वो हाउ कम, हाउ इज इट सो लाइक इन सिंक. एंड देन ही कम्स ऑन हिज लाइव एंड ही सेज कि लड़ो लड़ो मेरे लिए तो और अच्छा है, मैं तो और गाड़ियाँ खरीदूंगा, मैं तो और घर खरीदूंगा. सो हियर इज अ मैन हु इज प्रोपोगेटिंग वॉरफेयर, हु इज प्रोपोगेटिंग आई डोंट नो माँ बहन की गालीज एंड मेकिंग एंड सॉर्ट ऑफ लाइक मेकिंग इट सीम कूल. सो आई थिंक उसी मुद्दे पे इनको एक तो जवाब देना चाहिए भाई. और अगर ये कहते हैं जो इनके फैंस कह रहे हैं कि उनको तो पता ही नहीं रफ्तार भैया को, तो मैं बता दूँ मैंने उनको टैग भी किया था. चलो मेरे को पब्लिसिटी नहीं है, जेनेरिक मैसेज बोल सकता है ना आके कि भाई वायलेंट मत बनो, अग्रेसिव मत बनो. इफ अ कर्ट कोबेन कैन से दैट अगेंस्ट होमोफोब्स बिफोर ओपनिंग ए शो, श्योरली रफ्तार इज नॉट एज बिग नॉर विल ही एवर बी, सो ही कैन ऑल्सो अड्रेस इशूज. या नाउ सेकेंडली ये इसके फैंस ने क्या नाटक लगा रखा है कि पैसे के लिए, यू गाइस आर सिटिंग इन माई होम राइट नाउ, ओके डू यू रियली थिंक दैट आई वुड डू दिस फॉर मनी, आई थिंक आई हैव अ प्रीटी गुड सेटअप एंड आई हैड दिस सेटअप सिंस आई एम बॉर्न. So, unlike a lot of people, some people also come from well-to-do families, no? Everyone's not coming where they've never seen anything and suddenly they get some access to money. Yeah, people from well-off families also in this industry. So, yeah, not everybody is doing it for money.
एंड बाय सेइंग ऑल दिस यू आर नॉट गोना मेक एनीवन क्वाइट. इन फैक्ट जितना आप लोग मेरे को थ्रेट्स, गंदी गंदी गालियाँ और रेप, नॉट जस्ट मेरा बट मेरी मॉम का, ये सब भेज रहे हो आप लोग, उतना मेरी हिम्मत और बढ़ रही है. और मुझे अब पता करना है कि ये हु इज़ ट्रेनिंग देम. दे आर ट्रेंड, दे आर नॉट लाइक ऑर्गेनिक फैंस, बिकॉज इनके पास हर चीज़ का काउंटर है भाई. पहले खुद ही ये लोग बुली करेंगे, फिर बोल देंगे ये एमईवे के फ़ैन का बना हुआ वो है. अच्छा ये एमईवे के फ़ैन का नहीं है, ये तो आपने ही खुद अकाउंट बना दिया है. आई मीन यू आर लाइक नट्स, हाउ वेल ट्रेंड आर यू गाइज. एंड वी ऑल नो हु इज़ द ओनली मार्केटिंग जीनियस इन द म्यूजिक फ्रेटर्निटी ऑफ हिप हॉप राइट नाउ. सो आई थिंक समबडी इज़ ट्रेनिंग यू इन अ वे सच दैट यू गॉट द काउंटर ऑफ द काउंटर ऑफ द काउंटर. बट मार्केटिंग 12th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने फिलिप कॉटलर की पढ़ के आए हैं. सो आई कैन सी थ्रू दिस शिट इवन इफ यू कांट. और इनका एक रफ्तार का ये भी आप देखो, कभी भी कन्वीनियंटली किसी को भी ड्रेस, फिर वापस उससे बेस्ट फ्रेंड, फिर उसको उसके अगेंस्ट, वो लाइक वॉट आर यू ब्रो, जस्ट से नो ऑनेस्टली, यू आर इन इट फॉर द मनी. तुम बिजनेस मैन हो बोलो ना, कभी शार्क टैंक पे जा रहे हो, कभी डांस शो पे आके ट्वर्क कर रहे हो, मतलब यू आर नॉट अ हिप हॉप मूवमेंट मेकर शेकर व्हाटएवर. बी ऑनेस्ट, से ना दैट आई एम हियर टू मेक मनी. वेल यू हैव सेड इट इन अ लॉट ऑफ योर लाइव्स बाय द वे, दैट ऑल यू केयर अबाउट इज बाइंग योर थर्ड हाउस इन दुबई. अभी हाल ही में इनका वो भी था ना कि जलने वाले जलेंगे और मैं दुबई में घर में आ गया हूँ. तो भाई इतना अगर आप अपने फैन से डिसकनेक्टेड हो कि आपको पता ही नहीं है कि वो इस तरह की फेरोशियस रेप थ्रेट्स देते हैं, पहले सवालिना को दी, फिर मुझे दी, और ना जाने पीछे अनगिनत कितने लोगों को दी होगी. तो हम लोग तो मतलब अच्छी खासी सोशल मीडिया पे स्टैंडिंग रखते हैं और हमारे साथ ऐसे हो रहा है, तो आई डोंट नो व्हाट दे डू विद अदर्स. सो यार इफ यू आर दैट डिसकनेक्टेड, वाई आर यू देयर इन दैट स्पॉट एंड वाई डू यू एन्जॉय दिस मच यू नो फैंडम? वाई? बिकॉज यू आर क्लियरली नॉट इन टच विद योर फैंस यार. इफ यू वर, यू वुड हैव करेक्टेड देम. If a Beyonce can come out and correct her fans, if a G-Eazy can correct his fans, like how big are you, man? How come you are not correcting them? And अगर आपको कुछ पता ही नहीं है तो आप उतने बड़े following के साथ एक गलत पद पर बैठे हो ना, फिर तो आप कोई social responsibility ले रहे ही नहीं हो. तो फिर तो आपका उतना fandom enjoy करना ही मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ये रफ्तार के जो फैंस लोग हैं इन लोग को पता चलना चाहिए ना कि आपके रफ्तार में कुछ पता ही नहीं है, आप लोग क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो. ही इज़ डिसकनेक्टेड विद ऑल ऑफ यू, ही इज़ लिविंग इन हिज थर्ड फोर्थ फिफ्थ हाउस अकॉर्डिंग टू हिम, नॉट अकॉर्डिंग टू मी. सो आई एम गोइंग टू गो आउट विद दिस एंड आई एम गोइंग टू फाइंड आउट एंड आई विल कन्फ्रंट एंड आई कीप कन्फ्रंटिंग टिल सच टाइम एज सम अकाउंटेबिलिटी इज़ नॉट टेकन. बाकी वॉट एवर यू गैस वॉन्ट से, इफ एम डूइंग इट फॉर पब्लिसिटी, आई एम डूइंग इट फॉर द मनी, आई एम. एक तो इनके फैंस का एक फेवरेट कोई एक ही वर्ड है, क्लाउट. और भी वर्ड्स होते हैं क्लाउट, यू कैन ऑल्सो यूज़ क्लीक, यू कैन ऑल्सो यूज़ स्ट्राटा, यू कैन ऑल्सो यूज और भी वर्ड्स है. सो डोंट ट्राई टू प्ले कूल एंड डोंट ट्राई टू बुली वुमेन. एटलीस्ट आई एम नॉट गेटिंग लेटिंग दिस इफेक्ट मी एट ऑल. इन फैक्ट द मोर यू विल डू इट, द मोर इज फ्यूलिंग मी. And recently you have came out with so many posts, and do you think those fans are organic fans or like paid fans? That's very debatable. I myself want to get down to the bottom of this. If they are paid fans, then that's a felony. If they are real fans, then that's a real cause to worry. Either ways, it's not the perfect state of affairs, and either ways, it's something that needs to be looked into. And I'm happy that if I'm frontlining this, you know, that if I am the reason that finally the lid is blown off of whichever it is. If his fans are that kind of a base, he needs to correct their behavior. If they are paid fans, well, then the law will only take over. And how long it has been started getting you trades? So, and have you connected to Rafta personally? Yeah, I've tagged him. I've not connected with him personally, but the tag is quite personal. And that also I did after his fans told me, अरे रफ्तार भैया बहुत अच्छे हैं, आप उनको बोलो ना वो एकदम से कर देंगे आपके लिए ऑल. तो मैंने टैग करके भी देखा तो उसका तो ऑब्वियसली कोई रिस्पॉन्स मिला ही नहीं. और मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मुझे पर्सनली रिस्पॉन्ड दो. आई डोंट नीड फेम फ्रॉम रफ्तार. आई एम नॉट इवन हिज फैन. आई डोंट इवन लाइक हिज म्यूजिक. Address them in a general post, no? You can't come and and give them a message of peace and anti-misogyny, anti-bullying behavior. You can't. और ये बोलते हर जगह anti-bully है. इन्होंने एमईवे को कितना बुली किया है वो हम सब जानते हैं. अब ये रॉब सी को कितना बुली कर रहे हैं वो भी हमें पता है. तो ये कौन सी आर्मी है भाई? ये पर्सनली कॉल कर करके बोल रहे हैं रॉब सी को.
कि भाई तू तो क्यों ट्राई कर रहा है, तू तो छोड़ दे, मुझे रॉब सी ने बोला है बाय द वे. सो आई डोंट नो लाइक मेक अप योर माइंड मैन, यू आर ऑल्सो वेरी कन्फ्यूज अबाउट योर पोजिशनिंग और यू कीप चेंजिंग योर पोजिशनिंग अकॉर्डिंग टू वेयर द ट्रेंड इज. आफ्टर ऑल यू आर द ब्रांडिंग एक्सपर्ट नो. ये हर इंटरव्यू में वही बोलते हैं ना अपने, ये हर आर्टिस्ट को यही चीज़ें पूछते हैं, तूने पैसे कितने कमाए, तेरी लेबल डील कहाँ है, तेरी ब्रांड डील कहाँ है, तूने कितना मेन स्ट्रीम में आ गया, तूने कितने घर खरीद लिए. डिडंट ही से दैट टू इक्का ऑल्सो. अब वापस से एकदम से दोस्त, मतलब ब्रो लाइक कम ऑन मैन, इंटेग्रिटी नाउ. और क्या आपने कनेक्ट किया एमी वे से, और क्या कुछ उनके फैंस आपको बोल रहे हैं? एमी वे इज लाइक माई ब्रदर एंड माई एक्सटेंडेड फैमिली. His fans are nothing but supportive, and even anyway, खुद आप अगर उनके live sessions पे जाएंगे, always talking about peace and love and the greater cause of making good music. Okay? वो जो गिरफ्तार और दूसरा उनका diss track था, वो भी उनको बहुत ज़्यादा जब कोक्स किया था उसके बाद उन्होंने drop किया था, जिसकी उन्होंने काफ़ी काफ़ी you know detailed जो है I think story भी अपने lyrics में बताई है उन दोनों सॉन्ग्स की. सो ये बुलिंग इनका मतलब बहुत टाइम से चल रहा है. व्हाट इज दिस बुलिंग कल्चर मैन, दिस रफ्तार एंड हिज फैंस, नॉट फैंस, पेड फैंस, ऑर्गेनिक फैंस, व्हाटएवर द हेक दे आर, व्हाट इज दिस लाइक, आई नीड टू नो योर एंटी बुलिंग, योर टूवर्ड्स बुलिंग. डिडंट सीम एंटी बुलिंग व्हेन यू वेंट ऑन स्टेज एंड बहन की गाली दे के यू केम. Didn't seem anti-bullying to me. Even I'm against communalism completely. All my friends are Muslims. But will I go up on stage and kisi ko maa behen ki gaali? That was a good gimmick too, because now I hear he is in politics also. You're a marketing genius, Raftar. I love that, man. That's smart. But the ones who come from an educated background, who can see through your rubbish crap, can tell exactly what you're doing. But man, you're a marketing genius, that's for sure. But one without ethics. Marketing genius, even Shah Rukh Khan is, but with ethics. You're one without ethics, you know, playing people against each other, trying to curb upcoming talent. You did that with Emmy Way, now you're doing it with Rob. Now your fans are torturing Swalina, then they are torturing me. It's not going to slide, not with me. I'm going to take this on. Or main jari rakhungi till the time this guy doesn't come out of his comfortable whatever room, penthouse, third, fourth, fifth house, whatever house, and addresses this issue. Not taking my name, speak against misogyny, because that's what your fans are representing. And if they are not your fans, then so you should address them. How come they all have your picture on their profile? एंड इनके सब फैंस का, या जो क्लेम करते हैं इनके फैंस बनना, उनका एक ये है कि हम तो उसे फॉलो भी नहीं कर रहे. अरे यार, तो जिसको फॉलो नहीं करते उसके फैंस नहीं हैं क्या? तुम उसके म्यूज़िक की उसके लिए इतना भावुक हो रहे हो, तो दैट्स अ रियल फैंडम ना. एवरीथिंग इज़ नॉट कि इंस्टाग्राम पे जिसको फॉलो किया उस हिसाब से, तो एमी वे डजन फॉलो मी एट ऑल. सो देन आप लोग पलट के कैसे बोल रहे हो कि एमी वे ने कितने पैसे दिए? ही तो डजन इवन फॉलो मी. सो यू गाइस कीप कॉन्ट्रडिक्टिंग योर ओन सेल्फ मच लाइक योर आइडल डज. They're very conveniently contradicting personalities, all of you are. Conveniently contradicting. Not contradicting by nature, but jab time sahi ho, jab mauka sahi ho, you know. Very smart, man. Somebody very smart is training you guys. And do you think this old debate is getting up and with a fresh start and you are into it and they are targeting you as a person? Of course they are. They are not just targeting me. They are giving threats against rape threats against my mother also. Of course they are targeting me in the filthiest ways possible. They are objectifying my body parts, claiming I'm okay. Well, I'm not even getting into that. They are calling me maa behen ki galiya. Wo to khair in sabka signature hai, I think. That's one thing I realized, that they're very comfortable talking about rape, sexual molestation, maa behen ki galiya. And they are also constantly contradicting themselves. Matlab, comment ka reply karo. Aray, aray, kya veli hai? Comment ka reply nahi. Aray, dekho, ab reply nahi kar rahi hai. Matlab, what are you? Y'all are a joke, man. Y'all are a joke. Would you like to share some DMs or threads? Yes, I really would. So I have screenshots of everything, especially the most vicious ones, some of which are so abusive that I wouldn't want to like recite them,
बट हेयर आर सम दैट आई वुड रियली लाइक टू, एक कोई पेज है एनएम ट्रोल्स करके जिससे मेरे को और मेरी मॉम को रेप करने की धमकी दी है. सो आई डोंट नो कौन सा पेज है क्या है. देन लेट मी शेयर सम स्क्रीन शॉट्स विद यू गाइज. पहला स्क्रीन शॉट आता है मुझे, तेरी औकात छपरी है नली, रफ्तार के साथ काम करने तेरी नली की औकात नहीं है, तू छपरी के साथ ही काम कर सकती है. तो विच आई रिप्लाइड, नल्ला कौन है वो तो सबको पता चल रहा है. देन आई ब्लॉक दिस गाय बिकॉज मुझे लगा कोई एक ऐसे ही पागल सा होगा, यू नो देर आर सम ओवर एंथुजियास्टिक फैंस. उसके बाद मतलब 15-20 अकाउंट्स है खाट खाट खाट, लाइक इट वॉज लाइक अ होल मैस अटैक, लाइक यू नो बोलते हैं ना कि मतलब मैस अटैक, इट वॉज लिटरली लाइक दैट. ओके, it was so funny and it was so shady that I've never experienced something like that in my whole social media trajectory up until now. Then he is saying, then koi inka hai, what nonsense you are disrespecting Raftaar. Raftaar ki jo, Raftaar ke jo tumhe hate mil rahi hai aur galiyan mil rahi hai, wo tu deserve karti hai. This is some guy called Govind, okay. And these are real fans, I think, because they have like a picture and all. एक बाकी इनके वो लोग बोल रहे हैं अरे आपने FIR कभी लॉन्च कर रहे हैं, कभी पकड़े जाएंगे हम लोग. सो दे हैव दैट होल एटीट्यूड ऑफ यू नो लाइक डिफायंस कि क्या उखाड़ लेंगे, देयर सो मेनी कि आप मेरे को कैसे ट्रैक कर लेगी, क्या उखाड़ लेगी. सो इट्स लाइक टोटल गुंडा राज, लाइक यू नो आई एम जस्ट सरप्राइज हाउ कम दिस हैज़ गॉन ऑन फॉर सो लॉन्ग, हाउ कम दिस हैज़ गॉन ऑन फॉर सो लॉन्ग. देन आई एम गेटिंग ऑल दीज फक ऑफ, आई एम अनफॉलोइंग यू बिच एस, ओके cool. Then I'm getting maa behen ki galiya and that I'm a prostitute. Tu sare, I don't okay, this is really bad, I can't even read it. Now it talks about me being a Hindu randi. Okay, so there are castes and communities to that also. Okay, now there's this guy called Onkar Pawar. Bakchodi mat kar, bar dancer nikal, हिप हॉप के बारे ज्ञान मत दे. ओनकार पवार एंड हिज हैंडल इज इट्स अंडरस्कोर मी ओनकार विद अ डबल आर. देन आई एम गेटिंग दिस, ओ माय गॉड, ओके वाओ, दिस इज लाइक सम गाय टेलिंग मी इन हिंदी हाउ ही वुड लाइक टू रेप मी इन द एस. देन देयर इज दिस गाय टेलिंग मी बहन की लौड़ी इधर आके बात कर, स्टोरीज की हार्ड कॉपी बना. There's this one guy who's telling me, ये लोग तो बड़ी अच्छे से बात कर रहे हैं, मैं तो सीधा चाटा दे के बात करता, घर के अंदर घुस के चाटा मारेंगे. How has this gone on for so long? I don't understand. ये मतलब what is this? It's like this is so bizarre. What is it? How come it's gone on for so long? I want to know that. They've used these tactics before also. They've done it with Swalina also. And उन्होंने भी अपने handles से बोला भी था कि मेरी मानसिक संतुलन पे stress आ रहा है, मैं परेशान हो रही हूँ, मैंने complaints लिख दिया, मेरे को गालियाँ और rape threats मत दो. उन्होंने ये भी लिखा था, you think rape is funny? So how has then this gone on for so long? And how come nobody has taken it up seriously? It's very scary, you know. It's very scary because the descriptive messages also about how they want to rape you and everything are there with me. How has this gone on for so long? I really want to understand that. This is hip hop. I don't think this is hip hop culture. And after this shameful act, do you feel safe right now? No, definitely not. Because the person behind this, the artist whom they all seem to idolize, is completely just nonchalant, right? Like उसको तो मतलब उसकी बला से, he तो comes on his live and says also to his fans कि लड़ो लड़ो, जितना लड़ोगे उतना publicity मिलेगी, लड़ते रहो कोई भी मुद्दे पर लड़ते रहो ताकि मैं और गाड़ियाँ खरीदूँ और घर खरीदूँ. एमी भी also said in his thing कि कितना पैसा खाएगा तू, कितनी पेटी पैसे की पाएगा, मतलब how greedy are you for money man Raftaar, like what's your trip huh? And why do you keep showing off your money, is it new money? No, that's why you keep showing it off. Not a big deal, bro, to have 3 houses and maybe 2, 3, 4, 5, 10 cars. You're still not Mark Cuban, you're still not Ratan Tata. So, what is this whole thing? You know, you've got like talking about dusre artist ki income ke upar attack. Who gives you the right? Who are you, man? Who are you to ask an MEV how much he earns or tell an Ikka, wo, uske kaam kahan hai, uske gaane ka hai? Who are you? Har ek ki nahi maharat hoti na, chamchagiri aur networking ki. Who the hell are you to ask people and attack them
इन पब्लिक इंटरव्यूज अबाउट देयर इनकम. सो ये प्रोवोक करने में माहिर है ना ये लोग, दे आर माहिर विद प्रोवोकेशन. एंड देन इफ यू रिप्लाई रिस्पॉन्ड देन दे आर लाइक, अरे मैंने तो क्या बोला, मैंने तो यही बोला, उसने इतना कमारा नहीं था उसमें, मैंने यू सो इनोसेंट, यू सो क्यूट, वेल यू आर नॉट. ओके, सो लास्टली हैव यू कनेक्टेड टू, क्या आपने कनेक्ट किया साइबर क्राइम से, और व्हाट विल बी योर नेक्स्ट स्टेप? माय नेक्स्ट स्टेप इज गोइंग टू बी दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दिस एवरीवेयर. इफ एवरी व्हिच आई एम वेरी श्योर being the marketing genius that his team's team and he seemed to be to me, that within no time they will either tell all the publication houses to not cover my stories, not cover my interviews, or they will plant more fans, bots, paid army, I don't know what the heck this is, but they will try to साइलेंस माई वॉइस. तो तब का भी मेरे पास प्लान है, तब मैं यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे और अपने हर प्लेटफॉर्म में जाके तब भी मैं जारी रखूँगी. जब तक इस चीज़ की अकाउंटेबिलिटी आंसर नहीं मिलता है, मैं ये जारी रखूँगी चीज़ें. कितनी वॉइस दबाएगा टू और तेरा फैन बेस, आई वॉन्ट टू सी नाउ. आई एम नॉट गोइंग टू स्टॉप, आई एम नॉट गोइंग टू स्टॉप. नाउ आई कीप एट दिस एंड आई कीप एट इट टिल द टाइम आई डोंट फील कन्विंस दैट आई एम सेफ. I'm not going to stop. Thank you. Thanks a lot.